चलो भाई चुप हो जाओ, बात ना करो, अब सुनो ध्यान से अच्छी तरह, ठीक। क्लास नंबर हमारी कौन सी, 18, 17 क्लास हो चुकी, समझ आए बात है। अगर फिजिक्स ठीक ठाक तरीके से समझ नहीं ना, तो मेरा मानना है 16 17 जो क्लास हो चुकी ना, 10वीं क्लास की फिजिक्स समझना चाहते हो तो इन सेमेस्टर तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, समझ आए बात है। बार बार तुम्हें रिविज़न करना होगा, और रिविज़न करने के बाद बाद सारा सवाल सर जितने भी सब कुछ पढ़ाया सब तुम्हें पक्का करना होगा। पक्का मतलब जो पेपर के अंदर लिख सकते हो उसे पक्का। इसलिए डेली पढ़ने की आदत डाल लो, वो भी 4 सब्जेक्ट। कितने? 4 सब्जेक्ट। अगर एक दिन वो तुमने नहीं पढ़े ना, तो ये समझ जाओ कि तुम खतरे में जीने वाले हो। 10वीं क्लास के बच्चे की एक खास बात है, उसे 4 नहीं बल्कि मेरे हिसाब से तो 5 सब्जेक्ट पूरे पढ़ेगा। मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनल, ठीक। मैं लगभग पूरे 5 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जब घाट पर उठता था, समझ गया बात है। और मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे ना 5 के 5 सब्जेक्ट का काम कर कर ले जाते थे। जितने भी बच्चे थे 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे। इसलिए तुम भी आदत डाल लो 5 5 सब्जेक्ट पढ़ने की। एक दिन मदद बनने की नहीं, ठीक। 2-3 दिन दिक्कत होगी, चौथे तीसरे दिन खुद ही आदत पड़ जाएगी तुम्हें। नहीं पढ़ेगी तो मेरे पास डंडा है, यहाँ समझ में आया बात है। वो अपने पास पढ़ाता है। इसे तुम जो तुम्हें बताया, जो जो तुम्हें संसाधन बताए ना, मैं सब लेकर चलना। चलो हम चलते हैं, बात करते हैं लेक्चर नंबर 18। में बात करेंगे लेंस की क्षमता की। जो लेंस हो उसकी क्षमता क्या हो, इसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या लिखोगे पेपर में, कैसा सवाल आएगा, ठीक। पेपर में आओ, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, ऐसा सवाल आने वाला कि जो लेंस की क्षमता ना उसे परिभाषित कीजिए, ऐसा सवाल आने वाला। इसलिए ध्यान से देखते रहिए, मैं सुनूंगा तुमसे क्या बताया मैंने। लेंस की जो क्षमता ना उसे परिभाषित करना, डिफाइन एज द पावर ऑफ ए लेंस, ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, तो लेंस की क्षमता को परिभाषित करने का मतलब लेंस की क्षमता हो क्या, जो लेंस हो ना उसके द्वारा जो प्रकाश की किरणें हों उसे मोड़ने की क्षमता ही लेंस के द्वारा। मान लो लेंस है पूरा का पूरा, इस तरह प्रकाश की किरणें गुजर रही, तो जितनी प्रकाश की किरणों को मोड़ सकता होगा ना कोई प्रकाश, जो लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़ सकता होगा उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश के किरणों को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। आसान भाषा में याद रहेगी, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। याद रहेगी, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोल दोगे, बताओ क्या बताया अभी? किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को, समझ में आ बात है। ये साधारण भाषा हो, बोल लिख दोगे, क्या लिखोगे? किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। बोल दोगे बात? पक्की बात? ठीक। लेकिन इस तरह ना पेपर में अगर ये सब भूल जाओ तो फिर दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे, ठीक। आज इधर साइड में समझाने की कोशिश करते हैं तुम। अगर किसी चीज का व्युत्क्रम करना हो ना, अगर हमने लिख दिया ना यहाँ 1/n, तो इसे बोलते हैं n का व्युत्क्रम। पढ़ना सीख लो, इसे कैसे पढ़ते हैं? अगर हमने बोल दिया ना 1/m, इसे बोलते हैं, शाबाश, बहुत होशियार है तुम तो। इसे क्या बोल लगे? इसे क्या बोल लेंगे? इसे क्या बोल लेंगे? बी, जो नीचे ना उसका व्युत्क्रम। इसे क्या बोल लेंगे? एफ का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, इनवर्स। जो चीज बटे में आ जाए ना वो उल्टा हो, वो इनवर्स हो, इनवर्ट हो, वो समझ में आया बात यार, ठीक। चलो तो इसे बोल लेंगे, इसे बोल लेंगे एफ का व्युत्क्रम। तो लेंस हमारे 2 प्रकार के हों, एक तो उत्तल लेंस हो, एक अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, दोनों में फोकस दूरी हो, होती दोनों में फोकस दूरी। तो जो फोकस दूरी हो ना, उस फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी पता हो ना, उसका मान नीचे रख दो तो लेंस की क्षमता निकल जाएगी। लेंस की क्षमता को हम पी से डिनोट करते हैं, ऐसे कह देंगे पी बराबर 17/f, यही हकीकत में ही आया, समझ लो। लेकिन फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, फोकस दूरी कहीं होनी चाहिए, मीटर में। आप ऐसा कह सकते हो, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, क्योंकि इतनी चीज चीज के बराबर है। तो इस चीज को हम कैसे पढ़ेंगे? इसे बोलते हैं एफ का व्युत्क्रम। एफ का नाम हिंदी में क्या है? फोकस दूरी। किसकी फोकस दूरी? लेंस की फोकस दूरी। इसे बोलेंगे लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, डॉक्टर नहीं, डायोप्टर। ऐसे लिखा जाता है, डायोप्टर, डायोप्टर।
कई बार पूछा गया कि लेंस की क्षमता का मात्रक हो, इसके ब्रैकेट में बड़े वाला डी लिख देते हैं, डायोप्टर के नाम का डी लिख देते हैं, इसका मात्रक हो लेंस की क्षमता का। अगर किसी सवाल में पी का मान निकाल लोगे ना, उसके पीछे डी लिखोगे, 5D, 8D, 7D समझ जाओ पी का मान होगा। और फोकस दूरी हमेशा मीटर में नापी जाएगी, 20 मीटर, 10 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। समझ में आया बात, ये कोई दिक्कत यहाँ तक? तो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं? अक्षमता कहते हैं। इसी बात को लिख देता हूँ मैं, बताओ क्या लिखूँ? किसी लेंस की, किसी लेंस की, किसी लेंस की फोकस दूरी, दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को लेंस की, लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता कहते हैं, बोल लोगे? इसमें दिक्कत नहीं है? इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से शो करते हैं, शो माने प्रदर्शित करना हो, इसे पी से शो करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद लिखा यहां साइड में मात्रक, मात्रक बाद में लिखेगा, पहले सूत्र लिख देगा उसका, पहले सूत्र ही लिख दो, सूत्र पी बराबर वन ऑफ वन एफ। सूत्र जब भी लिखो ब्रैकेट में लिखेगा, ब्रैकेट में तो लेंस की क्षमता का सूत्र बता दोगे, क्या सूत्र हो? अब साइड में लिख के करो मात्रक, और सब बच्चे जिसे नहीं पता ना, मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, और यूनिट इसके ब्रैकेट में देखो मैंने मात्रक लिख दिया, तुम्हारी सुविधा के लिए मात्रक लिख दिया, मात्रक को डायोप्टर, डायोप्टर टहरा है, डायो ये पह पै टहरा, डायोप्टर, डायोप्टर के नाम का क्या लिख देते हैं? डी। कोई दिक्कत की सवाल? ठीक, अगर मैं कहने लगा तुम एक लेंस की फोकस दूरी 100 मीटर, 100 मीटर तो एफ का मान 100 मीटर रख देंगे, 1/100 आ जाएगा, उसके बाद 100 से 1 को भाग दे देंगे, 0.001 आ जाएगा, उसके बाद पी का मान निकल जाएगा, उसके पीछे लिख देंगे 0.001 डी, इसका मतलब पी का मान निकल कर चला आया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मैं कहने लगा एक उत्तल लेंस उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, तो यहाँ एफ का मान कितना रख देंगे? 10, एक बार 10 भाग देंगे 0.1 आ जाएगा, 0.1, उसके बाद पी का मान उसके पीछे लिखेंगे 0.1 डी, डी का मतलब क्या हो? डायोप्टर। आया समझ में? ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत? तो किसी लेंस की अगर फोकस दूरी पता हो, उस लेंस की क्या निकाल सकते हैं? अक्षमता। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी पता हो, क्या निकाल सकते हैं? अक्षमता का सूत्र क्या हो? किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की कहीं से प्रदर्शित करते हैं सर, मात्रक क्या हो उसका? इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? लेंस की क्षमता का मात्रक, लेकिन लेंस की क्षमता का दूसरा मात्रक भी हो, दूसरा सूत्र भी हो, ये तो पहला मात्रक हुआ। ठीक, एक दूसरा मात्रक क्या होगा? दूसरा मात्रक, ये तो पहला मात्रक हुआ। मात्रक बहुत जरूरी हो, बिना मात्रक के जिंदगी अधूरी हो। ये 1/मीटर हो, इसमें ऐसे लिख सकते हैं 1/ फोकस दूरी का मीटर बना पाएंगे तो मीटर, और ऐसे करके लिख सकते हैं मीटर इनवर्स, ये मीटर इसे बोलते हैं मीटर इनवर्स। तो ये भी इसका ही मात्रक हो, लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर इनवर्स भी हो, मीटर इनवर्स, याद रखना बात यार। दूसरे नंबर पर ये तो लेंस की क्षमता का सूत्र, जब फोकस दूरी मीटर में हो, जब फोकस दूरी मीटर में होगी तो ये वाला सूत्र लगाओगे। यदि यदि लेंस की फोकस दूरी, नोट नोट में लिख रहा हूँ मैं, समझ में आया बात है? देखो ध्यान से, अगर फोकस दूरी मीटर में नहीं दे रखी ना, सेंटीमीटर में दे रखी, तो जो मैं सूत्र लिखने जा रहा हूँ ये वाला सूत्र लगाओगे। अगर फोकस दूरी मीटर में नहीं दे रखी ना, सेंटीमीटर में दे रखी, तो ये वाला सूत्र लगाओगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए एक एक बच्चे का पूरा फोकस होना चाहिए, क्या बताएगा? मैं ये भी सुनूंगा, अभी ये भी सुनूंगा, ये क्या बताया ये भी सुनूंगा, ये क्या बताया ये भी सुनूंगा। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, किसी लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, मीटर बढ़ाओ सेंटीमीटर बढ़ाओ, सेंटीमीटर कैसे बढ़ाओ? सेंटीमीटर इतना सा हो और मीटर इतना बढ़ाओ, हाँ खोल लें, आया समझ? 1 मीटर इतना हो, मंजर नहीं देखा गया पतंग वाला मंजर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, सेंटीमीटर इतना सा हो, कहीं तो किसने कौन से खिलास में बढ़ रहे तुम? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो पी बराबर, पी बराबर यहाँ ऊपर जाएगा सूत्र में 100/f, हाँ अभी सवाल भी करवाने वाला हो, लेकिन इस बार f का मान सेंटीमीटर में, इस तरह वाला सवाल लगाओगे तुम। अब मैं एक सवाल बताने जा रहा हूँ तुम कैसे करोगे। ठीक, मैंने कहा चलो एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, f का मान कितना रख दूंगा? 10। अब मैंने कहा एक लेंस की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो सूत्र कौन सा लगाओगे? ऊपर ले वाला, समझ गए बात?
पता लग गया जी। कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी दे रखी हो उसकी क्षमता निकाल दोगे, उल्टा भी दे देगा वो सवाल दे देगा तुम, क्योंकि अगर एक लेंस की क्षमता फलाना है तो फोकस दूरी क्या पता करके बताओ। समझ में आया बात या? तो ये वाला सूत्र लगा दोगे तुम आराम से। समझ में आया बात या? ठीक। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या रहेगा? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, डी का मतलब डायोप्टर। कोई दिक्कत यहां तक चले? ठीक। लेंस की अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो सूत्र कौन सा होगा? पी बराबर एफ का मान सेंटीमीटर में होगा तो यदि एफ का मान सेंटीमीटर में होगा तो सूत्र होगा पी बराबर 100/f। पी बराबर 100/f। एक सवाल देने जा रहा हूं, ठीक। एक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? जाओ देखते हैं कितनी होगी। क्वेश्चन एक क्वेश्चन, यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, फालतू मत बोल, 25 सेंटीमीटर है तो उसकी अक्षमता ज्ञात करो, उसकी अक्षमता ज्ञात करो। आंसर बताओ। एक अवतल लेंस नहीं है जी। और अवतल लेंस की मैंने पहचान बता रखी, ऐसा हो अवतल लेंस जी। समझ में आया बात है? यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर हो लेकिन इसकी फोकस दूरी इधर हो जी। तो इधर की जो फोकस दूरी माइनस में लेते हैं, पक्की बात है। और लेकिन ध्यान से, हाँ, प्रकाश की किरणों को फैलाता है जी। और जो अवतल लेंस उत्तल लेंस है ना, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। जब भी कोई सवाल करेंगे सबसे पहले लिखेंगे दिया है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दे रखी है, एफ का मान दे रखा 25 सेंटीमीटर, लेकिन 25 सेंटीमीटर प्लस का माइनस का, माइनस का, तो एफ का मान माइनस के 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में दे रखा हो तो अगर अक्षमता निकालनी ऊपर का सूत्र लगाओ नीचे का। अब पहले सूत्र लिख देगा, सूत्र बताओ क्या है? पी बराबर 100/f। कोई दिक्कत यहाँ तक? पी बराबर 100/ 25 चौका 100, लेकिन माइनस लगा दिया तो पी का मान 4 नहीं आया, माइनस के 4 डायोप्टर। इसका ही मतलब होगा जो अवतल लेंस होगा ना उसकी जो क्षमता होगी वो माइनस में होगी, और जो उत्तल लेंस होगा ना उसकी क्षमता प्लस में होगी। बात समझ में आई? जो अवतल लेंस होगा उसकी क्षमता कहीं में होगी? अगर यहाँ उत्तल लेंस का सवाल होता है फोकस दूरी करना होती है तो फोकस दूरी अक्षमता प्लस में होती है। बात समझ में आई? ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे सवाल पेपर में आए हुए, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हैं जी। इसी सवाल को बदल सकता था वो, इस सवाल को अगर कहता है ना एक लेंस की ध्यान तो सुना, एक लेंस की फोकस दूरी एक, यहाँ सवाल में देता एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, 4 डायोप्टर तो ये वाला सूत्र लगाते हैं आराम से, पी एफ का मान निकाल लेते, 4 डायोप्टर है तो ये वाला लगने का, फिर ये वाला लगा सूत्र कभी यहाँ 4 रखो फिर यहाँ एफ का मान निकालने की कोशिश करो, ऐसा मत करना, फिर ये वाला सूत्र लगाना। ये सूत्र जब भी लगेगा जब फोकस दूरी सेंटीमीटर दे रखी हो। बात समझ में आया? इसकी जगह उत्तर लेंस का भी सवाल दे सकता था, इतनी मैं बात बता दो, मुझे समझ में ही नहीं है यहाँ तक। ठीक, रुक जाओ, अभी कोई कुछ नहीं उतारने का, ये सब तुम सुनने वाला हो रहा मैं, अभी तुम्हारी वाट लगा दूंगा मैं, देख लो कितना ध्यान लगा रहे थे तुम अभी। उसके बाद पेपर में पता क्या आया? ये आया नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं आया पेपर में। हाँ, बाद में जाकर ये भी आ चुका था पेपर में, ये भी आ चुका था, वो भी छोड़कर जा चुका था, सब जा चुका था। आया समझ में? पेपर में पता क्या आया? पेपर में आया कि जो लेंस है ना, ये लेंस है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो? पूरा बोल, पूरा डॉक्टर नहीं, डायोप्टर। अब जो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर हो, नू कह रहा है एक डायोप्टर की क्या परिभाषा हो, ये परिभाषा पेपर में लिखने को, और वहां से बच्चा फॉलो, समझे? एक डायोप्टर की क्या परिभाषा, एक डायोप्टर का अर्थ क्या हो, क्या परिभाषा हो एक डायोप्टर की, क्या कहना चाह रहा है एक डायोप्टर का मतलब क्या है। अब मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ एक डायोप्टर की परिभाषा, समझ में? यही पेपर में देखना चाहते हो क्या है? ठीक। और तुम कैसे लिखते हैं सर? आ जाओ देखो कैसे लिखते हैं सर। इसलिए मैं इस पे स्टार बनाता हूँ स्टार, समझ में आया बात? हाँ, एक डायोप्टर, डी लिख दूं बस, एक डायोप्टर की परिभाषा, परिभाषा अभिलाषा नहीं, इस तरह मुझे अभिलाषा की याद आ जाए यार। हाँ, एक डायोप्टर की परिभाषा। अब एक डायोप्टर की क्या परिभाषा देख लो, एक डायोप्टर की क्या परिभाषा आ जाओ समझ लो, एक डायोप्टर की परिभाषा। अब एक डायोप्टर की परिभाषा भी समझ लो, एक डायोप्टर की क्या परिभाषा हो। अब ध्यान से देखना, जो कहते हैं जो परिभाषा बनाई जाती है ना, कभी भी एक डायोप्टर की परिभाषा बनाने, तो पी का मान अगर 1 आ जा
तो उसके पीछे डायरेक्टर लिखोगे, अगर 2000 तो दो डायरेक्टर लिखोगे, 5000 पांच डायरेक्टर लिखोगे, पी का मान अगर पी का मान 1000 तो उसके पीछे डायरेक्टर लिखोगे। तो जो परिभाषा बनती है ना सूत्र से बनती है, यहाँ देख लो, सबसे पहले सूत्र लिखने जा रहा हूँ मैं, सूत्र लिखने जा रहा हूँ, पहले सूत्र लिखो, पी बराबर क्या होगा, मीटर वाला लिखिए, मीटर वाला कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे इस सवाल में, यदि यदि एफ का मान पता कितना हो, 1 मीटर हो, 1 मीटर ऐसे लिखना पड़ेगा परिभाषा में तुम्हें सब, बिल्कुल एफ का मान 1 मीटर हो। अब बताओ इसके अंदर एफ का मान 1 मीटर रख दो, बताओ रखो, पी बराबर कितना जाएगा, पी बराबर 1/1, पी बराबर 1 से 1 काटोगे, 1 एम पी का मान निकाल लेंगे, उसके पीछे क्या लिखेंगे, डायरेक्टर। लेंस की क्षमता कितनी आई, 1 डायरेक्टर, 1 लेंस की क्षमता 1 डायरेक्टर नहीं आई, कब आई, जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, जब लेंस की फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर, तो लेंस की क्षमता कितनी हो, जब किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी हो, जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो उस लेंस की क्षमता कितनी होती है, यही परिभाषा, यही परिभाषा लिखोगे इसमें। इसके नीचे इतना लिखने के बाद इसके नीचे लिखोगे, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उस लेंस की क्षमता 1 डायरेक्टर होगी। कोई लेंस उसकी फोकस दूरी 1 मीटर कितनी, तो उस लेंस की क्षमता भी कितनी होगी, 1 डायरेक्टर, यही 1 डायरेक्टर की परिभाषा लिख दोगे। मैं लिखने जा रहा हूँ, बताओ क्या लिखूं, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, तो उस लेंस की क्षमता, जो बच्चा है बैठ के बोल लगा ना साथ साथ मेरी, सबसे ज्यादा भी नंबर उसके आएंगे, दूसरे नंबर पर उसका फोकस सबसे ज्यादा रहेगा, उसे याद हो चुका, किसी लेंस की फोकस दूरी यदि 1 मीटर हो, उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। यह बात समझ में आई, तो 1 डायोप्टर की परिभाषा में यहां तक लिखना, समझ में आया बात, यह इस पर मैंने SN भी लिख दिया, SN का मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका, बात समझ में आई बात। लेकिन पता क्या हुआ, ये भी पेपर में आ चुका था, ये भी आ चुका था, ये भी आ चुका था, ये भी आ चुका, अब वो भी नहीं देखता वो, आया समझ में, अब नुगारा इससे भी कहानी आगे बढ़ा ली। जानना चाहते हो पेपर में क्या आता, जानना चाहते हो क्या आता, इसके बाद बताऊंगा, चलो नोट करो, पहले से नोट करो। देखो बेटे, देखो 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 देखो, गरीबी का हाल इधर देखो, देखो ये 2 लाइन्स हमारे पास, एक लाइन्स ये रहा उत्तर लेंस है ना, इसे लेंस को L1 मान लिया, L1 मतलब पहला लेंस, एक और लेंस हमारे पास, 2 लेंस बराबर में रखे हुए बिल्कुल ठीक, और जो दोनों लेंस है ना, और दोनों की फोकस दूरी अलग अलग होगी, और दोनों की जो लेंस, बात ना करो बिल्कुल भी, बकवास ना करो, हमें बैठ कर बकवास करिए तो घर चले जाओ, यहाँ इसके प्रकाशित केंद्र होंगे, जो पहले वाला लेंस होगा ना इसकी फोकस दूरी भी होगी, दूसरे वाला लेंस होगा इसकी फोकस दूरी, पहले वाले लेंस की जो फोकस दूरी होगी, इधर यहाँ मान लिया हमने फोकस हो कोई, इसकी फोकस दूरी हमने मान लिया F1 होगी, F1, और जो दूसरा वाला लेंस होगा ना आज इसकी जो फोकस दूरी होगी कितनी होगी, F2, दोनों पास पास रखे हुए, दोनों लेंस तो दो लेंस दोनों पास पास रखे हुए, सटाकर रखे हुए, सटाकर कितने लेंस रखे हुए, 2 लेंस आपस में रखे हुए, पहले लेंस की फोकस दूरी कितनी F1, दूसरे लेंस की पास पास रखे हुए, ठीक। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, ध्यान से देख लेना अच्छे तरीके, ठीक, देखो ध्यान से देखना। उसके बाद हम कहने लगे, जो पहले वाला लेंस उसकी जो अक्षमता होगी उसका सूत्र पता क्या होगा, उसका सूत्र होगा P1 बराबर 1/F1। जो दूसरा लेंस होगा उसकी जो क्षमता होगी उसका जो सूत्र होगा P2 बराबर, इसे तो मान लेंगे हम समीकरण 1, क्योंकि जिसमें बराबर हो ना वो समीकरण हो, ऐसा समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब जो समीकरण 1 है समीकरण 2 होगी, ये P1 नहीं है, ये P2 नहीं है, यहाँ देखो अब क्या करेंगे हम, 9 का मतलब वो अब देखो क्या करेंगे, तो जो P1 है ना, सुन लो, P1 प्लस के जो P2 होगा, ये ऐसा कह सको दोनों लेंस की जो संयुक्त अक्षमता होगी, दो लेंस इनकी जो संयुक्त अक्षमता होगी, कुल मिलाकर अक्षमता होगी, दोनों को मिलाकर अक्षमता, संयुक्त का मतलब मिली हुई अक्षमता हो जाएगी, जो दोनों को मिलाकर अक्षमता बनी, पहले वाले लेंस की P1, दूसरे वाले लेंस की P2, तो संयुक्त अक्षमता देखो कितनी होगी, लेंस की संयुक्त अक्षमता, दोनों लेंस की संयुक्त अक्षमता, दोनों लेंस की संयुक्त
संयुक्त अक्षमता, संयुक्त का मतलब समझ गए दोनों को मिलाकर, तो इसका सूत्र बैठेगा P बराबर P1 प्लस P2। इसे मैं ऐसे भी समझ सकता, जो P का मान होगा वन अपॉन एफ नहीं होगा, अर्थ क्या बैठेगा वन अपॉन F1 प्लस वन अपॉन F2 बैठेगा, नहीं बैठेगा, तो ये भी एक सूत्र बन गया, वो भी एक सूत्र बन गया। इस पेपर में, इसे पेपर लेकर पेपर में कैसा सवाल आगा, इसे लेकर पेपर में ऐसा सवाल आगा, यदि एक एक दो संयुक्त दो लाइंस आपस में सटाक कर रखे गए हैं, यदि दो लाइंस आपस में, यहाँ उत्तल की लाइन की जगह अवतल भी लाइन भी हो सका, ये तो मैंने उत्तल उत्तर ऐसा भी हो सका, एक उत्तल एक अवतल हो या एक अवतल हो एक उत्तल हो, दोबारा दूसरा केस ऐसा बन सका, देखो ये तो पहला केस बना कि दोनों दोनों उत्तल, और दूसरा ऐसा भी हो सका कि दोनों दोनों लाइन से ना अवतल अवतल भी हो सका, अवतल अवतल पहले जो कहा समझ, बकवास में जीतते हैं, एडवांस बात पसंद नहीं है मुझे, एडजस्ट नहीं होता मेरे बिल्कुल भी यार, मेरा दिल था अकेला तूने खेली ये खेला, तेरी याद में जाऊं मैं रात भर। जो पहले वाला लाइन है ना इसकी क्षमता F1, जो दूसरा वाला लाइन है ना इसकी क्षमता F2, दो लाइन हमारे पास है, ठीक, तो इसका भी सूत्र ऐसे बैठेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, P बराबर P1 प्लस P2। अगर F के रूप में लिखोगे सूत्र, अगर F के रूप में लिखोगे सूत्र, अगर ऐसा भी हो सका, ऐसा भी हो सका, एक लाइन तो उत्तल हो एक अवतल हो, ऐसा भी हो सका सवाल, लेकिन समस्या की जगह कौन से लेंस की क्षमता माइनस में लोगे, कौन से की प्लस में लोगे, जो उत्तल लेंस होगा उसकी जो क्षमताएं हैं वे ली जाएंगी प्लस में, अवतल लेंस की कायम होगी माइनस। यहां नोट लिखवा जा रहा हूं मैं, नोट नंबर 3 या 2, सुनो ध्यान से, यदि अवतल लेंस हो, अवतल लेंस हो तो उसकी अक्षमता, उसकी क्षमता माइनस में होगी प्लस में, उसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक का मतलब क्या है, माइनस में, ये शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव की, माइनस होती है, ऋणात्मक होती है, ध्यान से देखो नोट नंबर 3। अब यदि उत्तल लेंस हो, उत्तल हो तो उसकी क्षमता धनात्मक, धनात्मक प्लस में होती है, याद रहेगी बात, यानी P1 का जो P का मान होगा ना जो, वो निर्भर करेगा कैसे लेंस है, अगर हुआ उत्तल लेंस तो प्लस में लेंगे P का मान, अगर हुआ उत्तर माइनस अवतल लेंस तो P का मान माइनस, बात समझ में बुझा रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक चले, रुक जाओ अभी कहीं आ रहे, क्वेश्चन नंबर हो, ऐसा भी हो सकता होगा बेटे, देखो ध्यान से एक और देख लो, नोट नंबर 4 एक और देख लो, नोट नंबर 4, एक तरफ उत्तल लेंस हो जाए एक तरफ अवतल लेंस हो जाए, ये कौन सा लेंस है, अवतल, ये कौन सा लेंस है, उत्तल, इसे पहले वाला लेंस दूसरे, इसकी फोकस दूरी इधर नहीं होती, इसकी फोकस दूरी इधर हो, समझ में आ पाते, ऐसे भी सवाल देते कभी कभी, ठीक, तो घबराना नहीं, डरना नहीं बिल्कुल भी, तो करना क्या, सुनो ध्यान से क्या करते हैं, कितने नोट हो गए थे, 3, चौथा नोट, ध्यान से मैं तुमसे क्या पूछूंगा, दो लेंस, पहले वाले लेंस की जो क्षमता वो P बना, फिर कहूँगा दूसरे लेंस की क्षमता P2 हो, दोनों लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होगा, आप बताओगे P बराबर P1 P2 बता दोगे, ठीक, मैं ऐसे सवाल पूछ लूंगा तुमसे, दो लेंस आपस में पास रखे गए, पहले वाले लेंस की क्षमता F1, दूसरे वाले लेंस की क्षमता F2, दोनों लेंस की संयुक्त फोकस जो अक्षमता नहीं फोकस दूरी, पहले लेंस की फोकस दूरी F1, दूसरे की F2 फोकस दूरी है, संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी उसका सूत्र क्या होगा, 1/F = 1/F1 ये सूत्र है, याद रहेगी बात, ये तो संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है, वो संयुक्त अक्षमता का सूत्र है, इसे हम यहाँ लिख देते हैं, संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र, याद रहेगी बात, कौन सा संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र होगा, कौन सा लेंस की क्षमता का सूत्र होगा, याद रहने वाली बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक, चले एक काम करो, सब बच्चे यहाँ तक नोट कर लो, मैंने हमें सुनने वाला हो रहा तुमसे, आ जाओ सवाल के पास चलते हैं, बाबू बताओ, नंबर कुछ नहीं है यार, हटा दो, चलो हटाओ,
सूत्र याद रखना है, आ जाओ सवाल के पास, सवाल देखो कैसे पूछे जाते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ सब। पहला सवाल, क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, समझ लो कैसे आते हैं क्वेश्चन पेपर में। अब तुम्हारा नंबर लगेगा, खड़ा होगा तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे खड़ा बैठे क्या बताएगा। अभी क्वेश्चन नंबर दो, एक क्वेश्चन पहले करा जाएगा, क्वेश्चन नंबर दो कैसे सवाल। पहला डायग्राम में समझाता हूँ, ये रहा हमारा एक कौन सा लेंस है पता है, ये ऑप्टिकल सेंटर, उसका फोकस दूरी इधर होगी, इधर होगी, सही है, एडजस्ट नहीं होता मेरे पास। एक ऐसा लेंस जो किनारे से मोटा हो, बीच में से पतला हो, ये किनारे से पतला हो, बीच में से मोटा हो, ऐसे लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस। ये हमारा उत्तल लेंस हो, बात ना करो बिल्कुल भी, मैंने पहले समझा था, एडजस्ट नहीं होता मेरे को बिल्कुल भी। ये L1 है, यो L2, पहले वाला लेंस है ना, ये पहले वाला लेंस, इसकी फोकस दूरी इधर होगी, और जो दूसरा वाला लेंस है ना, और जो दूरियां इधर हो ना, इधर मेरी तरफ जो इधर हो ना, बस P1, जो P1 का मान दे रखा है ना, P1 का मान, तो P1 का मान जो होगा पहले वाले लेंस की जो क्षमता होगी, पहले वाले लेंस की जो क्षमता होगी वो माइनस में होगी प्लस में होगी। दे दिया प्लस के 2.5 डायोप्टर, डायोप्टर यहाँ सवाल लिखा जाएगा, सही बिल्कुल समझे, यही पूछा जाएगा, ये लिखे जाएगा सवाल में, देख दो लेंस परस्पर आपस में सटाकर रखे गए हैं, यदि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर हो तो, तथा दूसरे लेंस की क्षमता फलाना हो तो संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी होगी, ऐसे सवाल आएगा समझे। दूसरे वाला लेंस की क्षमता देखो कितनी दे रखी, P2 माइनस के 3.5 डायोप्टर, माइनस में दी दूसरे वाले की, सही दी गलत दी, सवाल लिख दो भैया, यदि दो लेंस परस्पर आपस में परस्पर सटाकर रखे गए हैं तथा उनकी क्षमताएं क्रमशः 2.5 डायोप्टर माइनस के 3.5 डायोप्टर है, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करो, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करो। चले अंतर के पास, चलो बताओ संयुक्त लेंस की क्षमता क्या बैठेगी, सूत्र बताओ संयुक्त लेंस की क्षमता, पहले लिखते हैं दिया है, ज्यादा ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ये उत्तर आंसर बना देंगे, इस आंसर में बना देना अच्छा रहेगा, नहीं बनाओगे जब भी काम चल जाएगा। P1 का मान 2.5 यार, यू P2 बराबर कुछ दिक्कत यहाँ था, सूत्र वही हो, P बराबर P1 का मान बताओ कितना, 2.5 नहीं है प्लस नहीं है, माइनस के 3.5, बट डायोप्टर ना लिखो यहाँ से भी, डायोप्टर सबसे लास्ट में लिखे हो, हर जगह डायोप्टर डायोप्टर घुसा हो। P बराबर 2.5 प्लस माइनस माइनस नहीं, अरे रुक जाओ भाई, अरे भाई रे प्लस माइनस माइनस तो घटाना पड़ा, 3.5 में तो ये घटाएंगे 2.5, ऐसे घटाए जा 3.5 में तो 2.01 माइनस की संख्या ज्यादा, तो पी बराबर बैठेगा 1 डायोप्टर, 1.0 का मतलब एक ही, पॉइंट के बाद जीरो कोई मान नहीं होता, इसका मतलब आंसर आया माइनस के 1 डायोप्टर। रुक जाओ, इन दोनों लेंस की जो संयुक्त क्षमता होगी 1 डायोप्टर होगी, यानी इन दोनों लेंस को बनाने के बाद आपस में ये दोनों लेंस आपस में रख देंगे हम, ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेंगे, ये अक्षमता है बता रही,
क्योंकि माइनस वन आई, अगर प्लस में आती तो ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करते, समझ में आया बात ये? यानी जो संयुक्त लेंस बनता होगा ना, वो संयुक्त लेंस है ना अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता होगा, ये क्षमता ही बता रही। यानी संयुक्त लेंस अतः हाँ, क्योंकि माइनस में आया ना, अतः संयुक्त लेंस लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। बदल दिया एकदम, करता है, कोई दिक्कत नहीं? ऐसे सवाल भी पेपर पाए हुए हैं, रुक जाओ अभी मत उतारना बिल्कुल भी, समझा रखा है एडजस्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर तीन, इसे तो तुम खुद करना, इसे तुम खुद करना, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसकी फोकस दूरी इधर होगी, मान लो ये वाला लेंस है ना, इस वाले लेंस की जो क्षमता दी गई सवाल में, वह दी गई माइनस के 5.5 डायोप्टर दे दी गई, कोई दिक्कत? अयू कह रहा है इसकी ने क्या निकालनी, फोकस दूरी निकालनी, क्या निकालनी? सूत्र लगा देंगे, बताओ सूत्र, पी बराबर 1/f, ये लगेगा 100/f नहीं लगने का, वो जब लगे जब f का मान सेंटीमीटर में दे रखा हो, p का मान कितना माइनस के 3.5 बराबर 1/f, इसे दे ले जाओ, इसे दे ले जाओ, f बराबर 1/3.5, कोई दिक्कत यहाँ तक? f बराबर ये पॉइंट हटाई ऊपर जीरो बढ़ा लोगे तो बैठेगा 10/35 माइनस के, बैठेगा नहीं, पॉइंट हटाई ऊपर जीरो बढ़ा ली, पांच तो काट दो, पांच दूनी 5×7=35, एफ बराबर बैठेगा माइनस के 2/7, एफ 7 से भाग दे दो, 7 से भाग दोगे तो बैठेगा माइनस के 0.2, फिर बैठेगा 6 फालतू नंबर में, हाँ 8 बैठेगा, 0.28 मीटर, मीटर मीटर देना मीटर, भाग दो, दे लोगे 7 और 2 को। ऐसे भी सवाल, इसकी जगह उत्तर लेंस का भी सवाल पूछ सकता, लेकिन वहाँ फोकस दूरी, वहाँ जो क्षमता होगी ना वो प्लस में होगी, समझ में आया बात क्या? इस तरह इस तरह कोई सवाल नहीं पूछ सकता, गाइड हो, मॉडल हो किसी के पास, यूट्यूब हो, कहीं से जाओ, कुछ भी करो, सवाल देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे इन सूत्रों के बेस पर, कम से कम 6-7 सवाल कर लेगा घर से, समझ में आया बात? ये बोलना पड़ेगा लेंस की क्षमता से संबंधित सवाल, लेंस की क्षमता से संबंधित सवाल यूट्यूब पर आ जाएंगे तुरंत, लेंस की क्षमता से संबंधित सवाल ऐसा पूछेंगे, लेंस की क्षमता के सवाल ऐसा पूछ डालना पड़ेगा, गाइड में मिल जाएंगे बहुत अच्छे सवाल, सवाल मिल जाएंगे, नोट करो यहाँ से।